हेलो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जाम इस्लामी का बी पी टी एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू थाउजेंड का पार्ट टू पार्ट वन में जो है हमने क्वेश्चन नंबर वन से लेके फिफ्टी तक के हमने जो है उसमें कवर कर लिए थे आज जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन से लेके हंड्रेड तक के जो भी क्वेश्चन बच गए थे आज हम वो कवर कर लेंगे ठीक है तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर वेन सीवेज इज डिस्चार्ज इन टू द रिवर तो फिफ्टी वन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू वट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आयन चैनल तो फिफ्टी टू का करेक्ट आंसर है वो है ए इलेक्ट्रिकल चेंजेस एंड कैमिकल चेंजेस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री विच ऑफ फॉलोइंग कार्नियल नर्व इज अ मोटर नर्व तो फिफ्टी थ्री का करेक्ट आंसर है वो है सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर विच माइक्रॉप कॉस साइफिल्स तो फिफ्टी फोर का जो करेक्ट आंसर है वो है बी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव वट इज कॉमन अमंग एम्बलेस एंड ट्रेप्सिन तो 55 का करेक्ट आंसर है वह है एल प्रोटीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स इंडिकेटेड बाय पिरामिड ऑफ नंबर तो 56 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट एवरी ट्रॉफिक लेयर क्वेश्चन नंबर 57 सेवन विच ऑफ दर्मोन्स डॉट एक्ट वी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर तो फिफ्टी का करेक्ट आंसर है डी Question number 58. Maximum voluntary ventilation is about the 58 ka correct answer? Hai, B. Question number 59. The mechanism that ensures complete absorption of glucose from the intestinal lumen is 59 ka correct answer? Hai, D. Secondary active transport. Question number 60. Polysome is formed by तो 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन क्यूरी टेंपरेचर। टेम्परेचर तो सिक्सटी वन का करेक्ट आंसर है ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू अ पेडलर प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइन यूजिंग अ डाइ इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट फाइव सो एस टू हैव अ डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ ऑफ 10 टू पावर if the voltage rating of the capacitor is 12 kv the minimum area of each plate required to have a capacitance of 80 pf is so 62 ka correct answer is a question number 63 suppose the sum expands so that its radius becomes 100 times its present radius and its surface temperature becomes half of its present value the total energy emitted by it then will increase by a factor of, so 63 ka correct answer is B, 6 to 5. Question number 64, which one of the following relation is dimensionally consistent, a liquid of coefficients of viscosity and flowing steadily through a, कैपलरी ट्यूब ऑफ रेडियस एंड लेंथ तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा सिक्सटी फोर का करेक्ट आंसर ए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव टू पैडल बीम्स ऑफ पोजिशंस मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विल तो सिक्सटी फाइव का करेक्ट आंसर आएगा ए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तो इसका भी करेक्ट आंसर है ए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन वेन एंड इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर एनहिलेट्स द एनर्जी रिलीज इज अबाउट इसका करेक्ट आंसर है बी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट मोलर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज वन पॉइंट सिक्स डिग्री पर थाउजेंड ग्राम ऑफ वाटर तो पॉइंट जीरो टू मोल ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस अ लोवरिंग टेम्परेचर ऑफ तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन अ कंडक्टिविटी सेल हैज़ टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स ऑफ वन पॉइंट टू एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एट सेंटीमीटर टन दिस सेल कॉन्स्टेंट इज जो सिक्सटी नाइन का करेक्ट आंसर है वह है सी पॉइंट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इन डिमास मेथड ऑफ एस्टिशन ऑफ नाइट्रोजन पॉइंट थर्टी फाइव ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव फिफ्टी फाइव एम एल ऑफ़ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट थ्री हंड्रेड के टेम्परेचर एंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टीन एम एम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन दी कंपाउंड वुड बी तो सेवनटी का करेक्ट आंसर है सी सिक्सटीन पॉइंट फोर फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन सेवेंटी वन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी सेवेंटी टू सेवेंटी टू का करेक्ट आंसर है बी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री दी करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ तो सेवेंटी थ्री का करेक्ट आंसर है ए नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ के इज रेट कॉन्स्टेंट एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रियक्टेंट एज पॉइंट फाइव एम एम दैन दाफ लाइफ इज दो सेवनटी फोर का करेक्ट आंसर है सेवनटी फाइव का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा ए दबजर्वेशन साइड आर इक्वलेंट इन देयर एबिलिटी टू ऑब्जॉर्व दार्टिकल्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स द टाइम पीरियड टू कोटा मेटल सरफेस सेवेंटी सिक्स का जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन इसका भी करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा बी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट सेवेंटी एट का करेक्ट आंसर आएगा हमारा थर्टी सेवन पॉइंट फाइव सिक्स प्लस में क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन इसका हमारा करेक्ट आंसर आएगा बी एड डी कंपोजिस क्वेश्चन नंबर एट्टी एटी का करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे सी क्वेश्चन नंबर एट्टी वन में मैं बताना दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर डिसन इज तो एटी वन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा आएगा बी द फिनोनिमन इज विच वाइट ट्रांसपेरेंट क्रिस्टिकल चेंजेस इन टू वाइट पाउडर इज नोन एज एटी टू का करेक्ट आंसर है बी क्वेश्चन नंबर एट्टी थ्री माइक्रोस्कॉमिक सॉल्ट इज एटी थ्री का करेक्ट आंसर बी क्वेश्चन नंबर एट्टी फोर एटी फोर का अमंग दी फॉलोइंग द स्ट्रांगेस्ट एसिड इज इसका भी करेक्ट आंसर है बी क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव तो एट्टी फाइव का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ग्रीन कलर टू दी बर्नर फ्लेम एटी सिक्स का करेक्ट आंसर है ए क्वेश्चन नंबर एट्टी सेवन फर्स्ट कंपाउंड ऑफ तो एटी सेवन का करेक्ट आंसर है सी क्वेश्चन नंबर एटी एट इसका करेक्ट आंसर है हमारा 88 का ए क्वेश्चन नंबर 89 89 का जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 90 90 का जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए क्वेश्चन नंबर नाइन्टीन वन मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी नाइन्टी वन का करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा डी नाइन्टी टू टू प्रोजेक्टाइल्स ऑफ सेम मास हैव मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी इन रेशियो फोर इस टू वन तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एंज तो इसका करेक्ट आंसर आएगा नाइन्टी टू का बी फोर टू वन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री नाइन्टी थ्री का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डे। नाइन्टी फोर सर्टेन क्वान्टिटी ऑफ वाटर कूल्स फ्रॉम सेवेंटी डिग्री सेल्सियस टू सिक्सटी डिग्री सेल्सियस इन फर्स्ट फाइव मिनट्स एंड फिफ्टी फोर डिग्री सेल्सियस इन दी नेक्स्ट फाइव मिनट द टेम्परेचर ऑफ़ द सराउंडिंग इज़ नाइन्टी फोर का करेक्ट आंसर आएगा ए क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स आर फिक्स विद देयर सेंटर एट अ डिस्टेंस डी पार्ट इसको करेंगे हम तो नाइन्टी फाइव का करेक्ट आंसर आ जाएगा ए जीरो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स हाफ लाइफ ऑफ आ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज टेन डेज दिस मीन्स दैट नाइन्टी सिक्स का जो करेक्ट आंसर हुआ है ये सेवन एट पार्ट ऑफ द मास सब्सटेंस टी इन थर्टी डेज क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर रिप्रेजेंटेड 97 का करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें ए सेवन क्वेश्चन नंबर 98 टू चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू आर प्लेस थर्टी सेंटीमीटर आर पार्ट एस्यून एंड फिगर तो 98 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए क्वेश्चन नंबर 99 इफ द मैग्नेटिक डिपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल तो नाइन्टी नाइन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी क्वेश्चन नंबर हंड्रेड तो हंड्रेड का जो डिपेंडेंस ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डिस्टेंस आर फ्रॉम तो जो हंड्रेड का करेक्ट आंसर है वो है डी ठीक है थैंक यू